एक कैंसर चंगा हो रहा है। ओ प्रोफेसर मैन ऑफ गॉड सो एक्यूरेट। हालेलुया। प्रेज जी आपने एकदम एक्यूरेटली कहा कि कैंसर चंगा हो रहा है। ये आज हमारी कलीसिया में दूसरी बार आए हैं और इनको ब्रेस्ट कैंसर का समस्या था। जो आपने एक्यूरेटली कहा कि किसी का कैंसर ठीक हो रहा है। जो इनके ब्रेस्ट में जो गार्ड का साइज है वो 2.9 है। When I look at you in the realm of the spirit, जब मैं आपको आत्मिक क्षेत्र में देखता हूँ, तुलसी, 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 तुलसी का पेड़ है सर। आत्मिक क्षेत्र में जब मैं देख रहा हूं आपके विरुद्ध जादू टोना किया है, बड़ा स्पष्ट है जो चीज प्रभु मुझे दिखा रहा है, जो आपके ऊपर जो आया जादू टोना किया है, ठीक है, आप प्रभु के भवन में आया है, यहाँ पर कटता है भाई, जो चीज किया यहाँ पर उड़ा दिया जाता है, लेकिन प्रभु आज आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आज आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आज आपको आजाद कर रहा है। हालेलुया। आपने कभी मेरे से बात किया, बैठ के बात किया? नो सर। यीशु नाम, यीशु नाम। लेकिन प्रभु आज आपको आजाद कर रहा है। प्रभु का हाथ आज आपके ऊपर आ रहा है। वो नाम है, वो चीज है, वो गांठ जल कर राख हो रहा है, आत्मा के सामर्थ्य उसके ऊपर जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहन आप आजाद हो रहा है, आसमानी बाप आपको आजाद कर रहा है। और एक नाम देख रहा हूं आपके रिश्तेदार में, कोई यार आपके रिश्तेदार में, और एक नाम जो मैं देख रहा हूं आड़ से, और आपके रिश्तेदार में ही कोई आपके विरुद्ध किया है, बाहर से नहीं किया है, आड़ से देख रहा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसका नफरत करें, यहां पर नफरत की भूमि नहीं है, यहां पर प्यार की भूमि है। लेकिन जो किया वो इस वक्त निष्फल हो गया, निष्फल हो गया, निष्फल हो गया, खट गया, गिर गया। आमेन। क्योंकि आप ये भूमि पर आए, यहां पर आया है, प्रभु ने उसे काट कर आपको आजाद कर दिया। आमेन। उस व्यक्ति से नफरत करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि डैडी जानता है, परमेश्वर जानता है जो कुछ आपके साथ हुआ। आमेन। सुना कि नहीं सुना? ठीक है, हाथ उठाओ इस वक्त।
सिस्टर यू आर फ्री, आप आजाद हो गए, आप बिल्कुल आजाद हो गया. Tell her to check. She is free. Yes, take a testimony quickly. Hallelujah. अद्भुत गवाही प्रेयर जी. ये बहन यहाँ पर आज हमारे कलीसिया में दूसरी बार आए हैं और अपने भविष्यवाणी की कि किसी का कैंसर जो है वो नीचे गिर रहा है. Hallelujah. और ये बहन को लगभग एक साल हो गया है. एक साल से उनको ब्रेस्ट कैंसर है. उनका रिपोर्ट भी हमारे यहाँ पास है. रिपोर्ट भी है. लेफ्ट ब्रेस्ट पे जो है लंप है और डॉक्टर ने इन्हें मैलिग्नेंसी बताया. डायरेक्ट कैंसरस ट्यूमर जो उनके ब्रेस्ट में था, जो गार्ड उनके सीने में गार्ड था, ब्रेस्ट में गार्ड था, दो गार्ड है. और डॉक्टर ने इन्हें केमोथेरेपीज कराया था. लगभग 15 केमोथेरेपीज ये बहन के हो चुके हैं, जिसके जो 12 केमोथेरेपीज जो है वो 7,000 के एक. एक केमोथेरेपी का प्राइस है 7,000, तो 84,000 लगभग उन्होंने 12 केमोथेरेपीज के लिए खर्चा किया है. और उसके अलावा 3 अलग केमोथेरेपीज के लिए उन्होंने एक केमोथेरेपी का 45,000 रुपये खर्चा किया है. और ऐसे करते करते इन्होंने और एक सप्ताह का जो ये दवाई जो खाते थे 18,000 का एक सप्ताह का दवाई, ऐसे लगभग उन्होंने 5,00,000, कम से कम 5,00,000 रुपये खर्चा किया है. हालेलुया. और जिसके वजह से भी उन्होंने इतना केमोथेरेपीज किया, इतना रेडिएशंस भी हो चुका है उनका, दो रेडिएशंस हो चुका है, जिसके वजह से भी उनका जो गांठ है वो जरा सा भी कुछ भी उसका साइज जो है वो वैसे का वैसे था, श्रिंक भी नहीं हुआ. और ये आज दूसरी बार ही आए और आपने केवल भविष्यवाणी की और जैसे आपने बहन के लिए प्रार्थना किया, बहन बता रही है कि वो अभी ब्रेस्ट को छू के देख रही है, अपने चेस्ट को छू के देख रही है. जो गांठ उन्हें लगभग एक साल से, जो कैंसरस गांठ जो एक साल से उन्हें महसूस होता था, वो गांठ अभी बिल्कुल भी नहीं है. इट इज ऑलरेडी डिसअपीयर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रे जी, ये अद्भुत चंगाई के साथ साथ आप परमेश्वर ने इनके जीवन के गहरी बातें आपको बताए जो इन्होंने कभी भी आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं बताए थे. हालेलुया. जैसे आपने बहन को देखा, आपने आर अक्षर देखा और आर अक्षर से ये बहन का खुद का नाम शुरू होता है जिनका नाम है रोशनी. हालेलुया. जो इन्होंने कभी आपको पर्सनली नहीं बताया क्योंकि हमारे कलीसिया में आज केवल दूसरी बार आए हैं. आमेन. हालेलुया. और साथ ही में आपने 2-9 कहा. ये बहन के जो साइज, जो ब्रेस्ट में जो लंप था उसका जो साइज था, दैट इज 2-9. हालेलुया. आपने वो ब्रेस्ट का जो लंप है वो भी परमेश्वर ने आपको बताया प्रभु जी. Hallelujah. और साथ ही में एक कौन बता सकता है? वो कैंसर का साइज बता रहा है. Wow. Hello. Yes. एक कौन दिखा सकता है, कौन बता सकता है? वो जिंदा खुदा है. Oh, yes. वो जिंदा है. Oh, yes. Is alive. Oh, yes. वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. Yes, yeah. Hallelujah. और प्रे जी, इनके घर में कौन सा पौधा है वो भी परमेश्वर ने आपको बताया. जैसे आपने तुलसी कहा, बहन बता रही कि उनके घर में तुलसी का पौधा है. Hallelujah. और उतना ही नहीं, आपने कहा कि ये जो बीमारी जो है, ये जो रोग है कैसे आया. जैसे आपने कहा कि इनके रिश्ते में कोई आर अक्षर से है जिनके वजह से, जिन्होंने इनके ऊपर कुछ किया है उनकी वजह से उनको ऐसा ये रोग आया है. ये बहन बता रही है कि इनके परिवार में कोई राम लखन करके जो व्यक्ति है जिनके साथ उनका कुछ अनबन हुआ था. हालेलुया. तो अभी जैसे आपने कहा अपने जी, तो ये निश्चय है कि उन्होंने ही किया, बिकॉज उनके साथ उनका कुछ अनबन होता ही रहता था. अमें. लेकिन प्रे जी, जैसे अभी आपने प्रार्थना किया प्रे जी, वो जो 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 लंप उन्हें महसूस होता था चेस्ट में, बहुत ही गहरा लंप था, इट वाज टू ह्यूज, उन्हें बहुत ही थिक महसूस होता था, लेकिन आपकी प्रार्थना के बाद वो लंप उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, वो लंप बाहर निकल गया. पता नहीं. ताली बजाओ जोर से यीशु के लिए. हालेलुया. ताली बजाओ. सचमुच में अद्भुत गवाही के लिए एक नया जीवन मिला है प्रेयर जी. कैंसर से आजादी मिली. जो गार्ड उन्हें जो महसूस हो रहा था लगभग एक साल से, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो जो गार्ड जो है वो पूरा चला गया है. ये इसलिए बहन परमेश्वर को आपको धन्यवाद करती है क्योंकि नहीं, आपकी प्रार्थना की वजह से एक नया जीवन मिला है प्रेयर जी. आमेन. वाह वाह. प्रभु की शांति में जाओ, प्रभु की कलीसिया में बने रहो. आमेन. हालेलुया. प्रभु की कलीसिया में बने रहो, वो कभी वापस नहीं आएगा. प्रभु ने आपको आजादी